हाँ जी मिल गया। आज की डेट है 6/12/2021 और एक्सरसाइज 12.2 के लिए भी चल रहे हैं अभी। और आज का जो कॉन्ग्रुएंस का जो फॉर्मूला आपको कराया जा रहा है, क्राइटेरिया जो है तीसरा वाला, उसका नाम है ASA, एंगल साइड एंगल। जैसा कि इसका नाम खुद ही बता रहा है कि दो एंगल होने चाहिए और एक साइड जो कि उन्हीं दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए, या फिर वो साइड जिस साइड पर ये दोनों एंगल होने चाहिए वो किसी दूसरे ट्राइंगल के भी सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ ही इक्वल में शो होनी चाहिए। वो कैसे होगी दे दिया गया। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ये वाला अगर आपका मान लो 40 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, और इधर आपको ये 30 डिग्री दिख रहा है, ये आपका 40 डिग्री दिख रहा है, और ये आपका 110 डिग्री दिख रहा है, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल तो आपको दिख ही रहे हैं। इसका नाम अगर ABC है और इसका DEF है और ये आपके लिए 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में आपको एक साइड तो बराबर दे ही रखी है, ए बी डी ई के बराबर दी है, और उन्हीं पर बने हुए दो एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल बताया है और ये वाला एंगल इधर के इक्वल बताया है ना, और दोनों ही एक ही इक्वल साइड पर ही है, लेकिन मतलब सेम साइड पर ही है, तो इन दोनों में हम लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम DEF। इन दोनों में हमारा क्या क्या इक्वल है, एक तो एंगल ए, ABC का एंगल ए DEF के कौन से एंगल के बराबर है, एंगल ए एंगल, बेटा आप देख रहे हो या फिर ऐसे ऐसे बोल रहे हो आप, हाँ जी डी एफ के आगे मैं लिखता हूँ लगा दू DEF, तो यहाँ पर एंगल ए एंगल ई के बराबर है। आप देख सकते हैं कि एंगल ए 40 है तो एंगल ई भी 40 है। चलिए एक तो एंगल हो गया, फिर अब आती है साइड की बारी, ए बी इक्वल है डी ई के, दोनों ही है 6 सेंटीमीटर, तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई, एक एंगल और चाहिए अब जो उसी साइड पर बना होना चाहिए, वो है एंगल जैसे ए बी पर ए का एंगल बोल दिया तो बी का एंगल बोल रहा है अब, एंगल बी इक्वल डी 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, मतलब पिछली लास्ट क्लास में जो भी कुछ समझाया था कुछ भी समझ में नहीं आया, आप लोग घर पे कुछ रिवाइज नहीं करते, ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट में दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, हाँ जी EDF।
ए बी सी लिखने के लिए 40 30 110 दिया था, तो 40 30 110 ई डी एफ से जाएगा। अब उसका रीजन डालेंगे बाय ए एस ए, ठीक है, ए एस ए के बाद अब हम उसके बचे हुए तीन पार्ट, अब तीन तो तीन की वजह से तो हमने इन्हें कॉन्ग्रेंट बोल दिया, अब बचे हुए थ्री पार्ट भी हमें इक्वल बताने हैं। जैसे हमने एंगल ए और बी, ए बी सी का ए और बी तो हम ले चुके हैं पहले, अब रह गया एंगल सी, तो हम एंगल सी को इसका बचे हुए एंगल एफ के साथ बराबर बताएंगे, रीजन बाय सी टी सी टी। और जब हम ए बी ले चुके हैं तो अब इसका अगर हम ए सी लेते हैं तो ए सी वो है जिसपे 40 और 110 है, ई एफ वो है जिसपे 40 और 110 है, तो हम ए सी के इक्वल में ई एफ बोलेंगे बाय सी टी सी टी, ठीक। नेक्स्ट इज बी सी, बी सी जो कि हमने पहले एक बार भी यूज नहीं करी, वो बी सी है 30 और 110, तो वो है डी एफ 30 और 110 वाला, डी एफ बाय सी पी सी पी, ठीक। तो ये है आपका कौन सा क्राइटेरिया, ए एस ए का। कोई भी दो फिगर इस प्रकार से हों कि उनके दो एंगल बराबर हों और जिस साइड पर उनके जो एंगल बने हैं वो साइड भी एक दूसरे के साथ बराबर हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट का कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट ही होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। एक आता है आर एच एस का, आर एच एस। नेक्स्ट इज आर एच एस, आर में एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल इज एच का मतलब हाइपोटेन्यूस और एस का मतलब साइड, और एक साइड, दो ट्राइंगल आपके सामने होंगे, देखिए ये है 90 डिग्री, यहाँ पर ये है 90 डिग्री, ए बी सी सी क्यू आर, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होता है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, इसके साथ एक साइड आपको ये इक्वल बोली है और एक ये इक्वल बोली है। निशान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूं इसको क्या कहते हैं, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। अब बाकी इनमें से एक बेस या कौन हो वो किसी को भी बनाया जा सकता है। दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीक्यूआर, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि एक एंगल बी उसके एंगल क्यू के बराबर है, दोनों ही क्या है 90 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है 90 डिग्री, इसे कहते हैं राइट एंगल, इसलिए आर। 90 के सामने वाला ए सी और इसके 90 के सामने वाला पी आर, ये भी इक्वल है, रीजन क्या है, गिवन है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू तो लिखी नहीं लेकिन निशान सेम लगा हुआ है, ये गिवन है, ये है हाइपोटेन्यूस। तीसरी ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी उसके पी क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है, ठीक है, तो इसे एक साइड कहा जा सकता है सिर्फ। और जैसे ही हमारे पास दो ट्राइंगल में तीन पार्ट उसके इक्वल हो जाते हैं तो हम दोनों ट्राइंगल को
कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब इस ए बी सी के लिए इधर वाले का क्या नाम होगा, ए बी सी इसमें क्या नाम होगा कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आप लोगों को। ए बी सी आर क्यू पी, घर पे आप ना कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, साफ दिखता है। बोलिए बेटा, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको, अभी मैंने जो बात बोली आपने शायद सुनी नहीं। आप घर पे कुछ पढ़ाई नहीं करते, आप घर पे कुछ पढ़ाई नहीं करे, क्योंकि अगर ये किया होता ना तो पिछले मैंने जितने भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कराया है उसमें हर बार ये बताया है कि उनके नाम कैसे रखे जा रहे हैं, हर बार बताया है, एक बार नहीं हर बार बताया। नहीं जी, लास्ट क्लास में भी समझाया था, मैंने ये ऑनलाइन क्लास लिया है, ठीक है, उसका वीडियो भी बना के भेजा हुआ, इसलिए इस बात के लिए बहस मत कीजिए, प्लीज अपनी गलतियों के लिए उसको छिपाने की कोशिश मत कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए कि आप घर से कुछ नहीं कर रहे। सुनिए फिर से, जब मैंने ए बी सी नाम लिया है तो ए से चलने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लास में ही बताया, आप ये देखिए वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ए बी फिर ये सी की तरफ आया, इसमें हमारा सिंगल साइन वाला और फिर बिना साइन वाला आया 90 से होकर के, तो यहाँ से सिंगल साइन वाला 90 से होकर बिना साइन वाला जाएगा इस तरफ चल के, ठीक है, तो आर क्यू पी बनता है। ए बी सी और आर क्यू पी बाय, हमने इसमें रीजन क्या क्या दिए हैं, वो क्या है जो इक्वल यहाँ पे शो किए, तो राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड, इसलिए बाय आर एच एस। जब आर एच एस से हो गया तो दो, एक एंगल हमने एंगल बी और एंगल क्यू बराबर बताए, बताए क्या वो तो जी वन ही से 90 डिग्री है। इसके अलावा इसके एंगल ए ले सकते हैं हम, एंगल ए के लिए कौन बराबर होगा अब पता चलेगा, जैसे कि एंगल ए के लिए सिंगल और डबल के बीच में, सिंगल और डबल के बीच में आर है तो एंगल आर होगा, एंगल सी के लिए कौन होगा, डबल और जिसके पास कोई निशान नहीं है, डबल और जिसके पास कोई निशान नहीं है वो है पी, एंगल सी के लिए एंगल पी बराबर होगा। और हमारी एक साइड बच गई है डी सी, क्योंकि दो साइड तो हम ऊपर यूज कर चुके हैं, तो बी सी यहाँ पर सी क्यू के बराबर होगा, और ये सब रीजन है बाय सी पी सी पी, क्योंकि दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बचे हुए पार्ट को हम सी बाय सी पी सी पी करके इक्वल बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे छह पार्ट इक्वल शो हो जाते हैं, तीन तो पहले ही हो जाते हैं, तीन हमें बताने होते हैं। तो ये था हमारा बाय आर एच एस, तो चार थे आपके पास, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं 12.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप देखेंगे तो मैच भी कॉलम है, फर्स्ट में दो ट्राइंगल दिए हैं और फर्स्ट वाले में जो दो ट्राइंगल दिए हैं उनका पहले फिगर को ध्यान से देखते हैं, उसमें आपको इस प्रकार से दो फिगर है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल बताई गई और एक एंगल बीच में बताया गया, तो ये साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है, तो ये हमारा किससे बनेगा, एस ए एस से बनेगा, फर्स्ट वाले में एस ए एस इसका आंसर होगा। दूसरा वाला अगर हम देखते हैं मैच साइड, और ये भी साइड और उसके बीच में एंगल है, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया बनता है वो एस ए एस का बनता है, क्योंकि एस एस और ए, एस ए एस का। सेकंड वाले में
एक 90 डिग्री का एंगल साफ दिखाई दे रहा है, और 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज और साथ में एक साइड भी बोल रखा है, वैसा ही इन्होंने इस तरफ कर दिया है, हाइपोटेन्यूज और साइड और 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड है, तो ये हमारा आरएचएस से होगा। तो सेकंड वाले में आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल है, थर्ड वाला थर्ड वाले में आप देखेंगे क्या क्या कॉमन है। पहले तो थर्ड वाले में इन्होंने ना निशान लगाना भूल गए, एक निशान यहाँ लगेगा और एक निशान यहाँ लगेगा, और जब इन दो ट्राइंगल को अलग अलग किया जाता है तो आपके पास कौन से निशान, ये वाला निशान इसके पास मिलेगा, ये वाला निशान इसके पास मिलेगा, और आप देखेंगे कि ये जो तीसरी वाली साइड है ये तो दोनों में कॉमन है, ये जो बीच की साइड है ये तो दोनों में ही कॉमन है, ये जो तो ये हो गया एस एस एस, तो ये एस 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 वाले कॉन्ग्रुएंस के रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर आता है फोर्थ वाला, फोर्थ वाले को ध्यान से देखें तो एक 30 है, एक 60 है, फिर 60 है और फिर 30 है, ठीक। और इसके अंदर जो नाम दिए हुए हैं जैसे कि बी ए टी ओ एक्स, तो ट्राइंगल बी ए टी और ट्राइंगल डी ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट बताए हुए हैं, लेकिन कौन से रीजन से बताए हुए हैं। पहले तो बी ए टी और बी ओ एक्स को अलग करते हैं, ये अलग हो गई, इसमें यहां 30 था, यहां पर 30 था, और बी ए टी बी ओ एक्स और कोई निशान नहीं लगा हुआ, एक जगह पर निशान लगा भी नहीं है, यहां जो 60 था उस 60 की वजह से अंदर 120 डिग्री का एंगल बचता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा तो 180 डिग्री होता है, एक तरफ 60 निकलेगा तो वन दूसरी तरफ 120 निकलेगा, तो यहाँ 60 था तो इस तरफ 120 निकलेगा, तो एक हुआ क्या, एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल तो इक्वल दिख ही रहे हैं और इन्होंने एक निशान लगाना मिस कर दिया, ये निशान यहाँ इक्वल होना चाहिए था, ये वाले निशान इससे इक्वल होना चाहिए था, तो हमारे पास बनते हैं एंगल, ये भी एंगल और बीच वाली ये साइड है, तो ये ए एस ए से बनता है, किससे बनता, ए एस ए से, इसीलिए मैंने कराया कि कई चीजें समझते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, दो ट्राइंगल आपके सामने दिया है और ये दोनों ट्राइंगल कहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, पहले से ही बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनके सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए, जैसे कि ये 6 है, ये 5 है और ये नहीं भी, और इधर हमारे पास फिर से है ये 3 है, ये नहीं पता और ये 6 है, लेकिन ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन सी चीज किसके बराबर होगी, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, सी नहीं होगा, इस क्यू होना चाहिए, पहले तो नाम नहीं गलत, इसमें ध्यान से देखिए, एक 6 तो 6 के बराबर दिख ही रहा है,
आपको दिख रहा है ना ए बी इक्वल है सी क्यू के, वो तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी, बी सी 5 है, तो क्या वो क्यू आर 3 के बराबर हो सकता है? तो वो पी आर के ही बराबर होगा, और ए सी जो था फिर वो क्यू आर के बराबर होगा। ये 3 है, ये 5 है, का मतलब पी आर जो है वो 5 है और ए सी जो है वो 3 है, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ चल जाएगा और इसका रिलेशन इसके साथ चलेगा, क्योंकि ये 5 और 3 तो आपस में बराबर बोले नहीं जा सकते। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला देखते हैं इसका जरा। सेकंड वाले में भी सेम इसी प्रकार से जो ए बी की वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे डी एफ है, वो डी एफ तो बी सी के बराबर बता रखा है, 3.9 बुक में देखिए, है ना। फिर एक ई एफ है, ई एफ तो ए सी के बराबर बताया 2.6, है ना। तो तीसरा कौन सा रह गया? तीसरा फिर ई डी रह गया। ई डी इसके ए बी के बराबर होना चाहिए, और ई डी अगर 4.5 है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, हो गया ना। ए बी की वैल्यू आ गई 4.5, क्योंकि ई डी है 4.5 तो वो ए बी के बराबर है। हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर्स दिए हैं कुछ, जो कि एक फिगर ये दिया है। ये आपके पास 6.7 सेंटीमीटर, ऊपर 5 सेंटीमीटर, नीचे भी 5 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर। तो इसके अगर दो टुकड़े कर देते हैं तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6.7 सेंटीमीटर। अभी मैंने कहा कि इसको अगर आप अलग अलग, दोनों अलग अलग बना देते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये भी 6.7 हो गया, ये 5, नो नॉट 5, ये 3 होगा। ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास दोनों ट्राइंगल भी तीनों साइड आपस में बराबर है। एक ट्राइंगल की तीनों, दूसरे के तीनों साइड से इक्वल है। तो ये हमारा एस 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 से होगा, किससे होगा? इन द एडजॉइनिंग पेयर ऑफ ट्राइंगल बाय अप्लाइंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन स्टेट व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट स्टेट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम लिख सकते हैं, इनका नाम लेते हैं, जैसे कि इन्होंने नाम दिया है ए बी सी डी ई ए बी सी और डी। तो एक ट्राइंगल तो है ए बी सी, हम सेम वैसे ही करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी में से ए डी सी या ए सी डी जो भी बोल दो, ट्राइंगल ए सी डी। अब हम पहले इनके इक्वल चीजें बताते हैं। एक तो इसका ए बी, इस ट्राइंगल का ए बी दूसरे के किसके बराबर है? सी डी के, 5 सेंटीमीटर। फिर इस ए बी सी का बी सी अगर हम लेते हैं, बी सी लेने के बाद बी सी किसके बराबर बनेगा? वो बी सी बनेगा इसके ए डी के बराबर। ए डी आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, दूसरा हमारा ए सी डी है। तो ए बी सी का हमने ए बी, उसके सी डी 5 के बराबर बताया, इसका बी सी 3,
इसके एडी बी के बराबर बताया, सी सी कौन बच गई, ए सी, ए सी तो ए सी के ही बराबर है 6.7 सेंटीमीटर। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। दोनों के नाम लेकिन ध्यान से लिखिएगा फिर से, दैट्स व्हाई ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अब उसका नाम बताइए जल्दी से, ए बी सी, ए बी सी का नाम समझिएगा, ए बी सी फाइव और थ्री की तरफ गया था, तो फाइव और थ्री की तरफ जाने के लिए सी डी ए बोलना पड़ेगा, सी डी ए बाय एस एस एस, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो बाकी और दूसरे कौन कौन से हम इक्वल बताएंगे। अब देखो ए बी हमने मतलब सारी साइड बता दी, अब एंगल बता सकते हैं, एंगल देखो किस किस के बराबर कौन सा होगा, ये एंगल वो है जो 5 और 6.7 के बीच में बना है, 5 और 6.7 के बीच में से सी बना है, तो इनका नेमिंग अगर हम करते हैं, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बराबर होगा बी सी ए के, एंगल बी सी ए, दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये 3 और 6.7 के बीच में, 3 और 6.7 के बीच में यही बनता है बी सी ए, बी सी ए बराबर है एंगल बी ए सी के। तीसरा एंगल रह गया अब बी, और वो बराबर है बी के, सिंपल सिंपल लिख सकते हैं, वो अकेला है बी, यहाँ पर अकेला है, लेकिन हमने ए को ए क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर जो ये एंगल है ये इसके बराबर बन रहा था, और यहाँ ए पर दो टुकड़े हो रखे, एक यहाँ का और एक यहाँ का टुकड़ा हो रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हमने इसको ए नहीं बोला, क्योंकि ए बोलते तो ये यहाँ का भी हो जाता, यहाँ का भी हो जाता, और ये दो अलग अलग एंगल है, इसलिए इसको लिखने का तरीका हमने दूसरा वाला लिया, जिसमें हम तीनों लेटर्स लेते हैं बी ए सी, बी ए सी इस करके, तो हमारे पास तीसरा बनता है एंगल बी और डी। अब बच गया एंगल बी और एंगल डी, क्योंकि वो अकेले अकेले इनकम लिखेंगे बाय सी टी सी टी, बाय सी टी सी टी और बाय सी टी सी। तो पहले तीनों साइड से वो कॉन्ग्रुएंट हुए, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके जो एंगल्स हैं वो भी हमने बाद में बाय सी टी सी टी इक्वल दिखा दिए। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकेंड वाला भी ऐसे ही है, दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हिंट देता हूँ उसका, सेकेंड देखिए, सेकेंड वाले में भी आपके पास दो ट्राइंगल बने हुए हैं और दोनों ट्राइंगल चिपके हुए हैं, जिसमें से एक तो है आपकी 8.1 सेंटीमीटर, दूसरी 9.2 सेंटीमीटर, इधर भी 9.2, और तीसरी है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो आप अगर इसके दो टुकड़े कर देते हो, दो टुकड़े मतलब इस प्रकार से,
थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड एक दूसरे के साथ बराबर है, दिख रही है आप सबको? तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब इनको कैसे करना है, अभी ऊपर जो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने दिया है उससे आप यूज कर सकते हैं। इनका जो नेमिंग है उसको, नेमिंग को आप लीजिए, नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। इसको आप लिखिए डू योर सेल्फ। इसका हिंट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये इसका हिंट है पूरा। तो आपका जो आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क भी इतना है, डू एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 कंप्लीट, बस यही तक करना है और बाकी जो ऊपर का समझाया है वो आगे 4, 5, 6 के बाद में देखते हैं। और तो